आपके साथ हिमा में आपका सहर्ष दिल से स्वागत है। और जानिए आज है अपनी पालक की रेसिपी यानी पालक पनीर। तो पालक पनीर अपन ने कैसे करना है ये आज देखेंगे। और इसकी जो इसके जे लिए जो इंग्रेडिएंट्स साहित्य होना वो है पालक, फ्रेश पालक बाजार से लाई हुई, और पनीर, और उसके साथ जो अपनी मसाले की पूरी चीज़ें जैसे नमक मतलब लाल मिर्ची और पूरा जो तेल वगैरह लगता है, जीरा वगैरह वो पूरा, और मसाला प्याज लहसुन का मसाला और किसी मतलब कौन सा भी मसाला यूज करा तो भी चलेगा, लेकिन आज बनाएंगे पालक पनीर। इसके लिए पालक फ्रेश होनी चाहिए। उसके बाद इस पालक को अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद इसको 2 मिनट तक सूखने देंगे। उसके बाद इसको मिक्सर में डालेंगे, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसका जूस के माफिक बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जूस बनाने के बाद इसको बाजू में रख देंगे और फिर पनीर को तलेंगे। और तलने के बाद इसको तड़का लगाएंगे मसाले में इसका जूस, और उसमें वो पनीर डाल लेंगे। अब ये पूरी प्रोसीजर अपन ज़रूर देखेंगे, और उससे पहले एक छोटा सा गीत सुनते हैं। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक के बाद। हेलो, अभी देखो आपने पनीर लेना है, पनीर के पीसेस करने हैं, ऐसे लंबे पीसेस अपने मतलब हिसाब से कर सकते हैं। अब ये मैंने मसाला लिया है, पालक लिया बारीक काट के मैंने अच्छे से, गुड़ भी लिया है, नमक। अब मैंने कढ़ाई गरम करके रखी है, उसमें मैं अब झट से पनीर तलूंगी। अब अच्छे से पनीर तलना है अपने को, ज़्यादा मतलब टेस्टी सब्जी आने के लिए पनीर तलना बहुत ज़रूरी है। पालक पनीर में यही होता है कि पनीर अच्छे से आपके तले हुए चाहिए, और पालक की भी पेस्ट आपने को आराम से अच्छे से बारीक निकालनी है। देखो इस तरह से मैंने 2 मिनट कढ़ाई में रखे हैं और मैं इसे अच्छे से पकने देती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई से निकाले हैं इस तरह से मेरे पनीर। अब मैं इसको अच्छे से बारीक काटती हूँ। बारीक काटने से कैसे मतलब आप काट सकते हैं, लंबे रख सकते हैं, आपकी इच्छा भाई, आपको खाना है सब्जी। देखिए मैंने अब पालक मिक्सी में उतार लिया है। पहले मैंने पालक को अच्छे से धोया, बारीक काटा। अब मैं मिक्सी में पालक बारीक पीस लेती हूँ। इसमें थोड़ा पानी मैंने ऐड कर लिया है, अच्छे से अब ग्राइंड कर लेते हैं। एकदम अच्छे से प्यूरी निकलनी चाहिए। वादा कर ले साजना देखिए ऐसी प्यूरी बन चुकी है अपनी पालक की। ये तो स्वादिष्ट भी है, नमक डालो और मतलब अगर ये मसाला है, मसाला जाएंगे आप कढ़ाई में। मसाला मैंने सिंपली प्याज लहसुन का और नारियल का बनाया है, बाकी ज़्यादा हेवी मसाले में यूज़ नहीं करती हूँ। बस सिंपल मसाले से अपनी सब्जी बना लेती हूँ। ज़्यादा हेवी मसाले भी कभी कभी शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं, इसलिए सिंपली मसाला खाना चाहिए। ऑयल का उपयोग थोड़ा कम ही करें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए मैंने मसाला अच्छे से कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची, अगर ज़्यादा तेज है तो कम डालिए आपके हिसाब से। हल्दी डाल रही हूँ। अब डाल रही मैं धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, ये सभी अपने को डालना है इसमें अच्छे से। ये आमचूर पाउडर है, थोड़ा डाला तो चलेगा, इसमें सब्जी में एक अलग सा स्वाद आएगा। अभी इसमें थोड़ा सा अपने को नमक डालना है स्वादानुसार, और गुड़ भी डालना है। गुड़ तो डालना बहुत ज़रूरी है अपने को पनीर के मतलब
पालक पनीर रहे कि सादा पनीर रहे, उसमें गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ से उसमें जो अपनी तरी है और टेस्ट, ये दोनों भी कायम रहेंगी। चलिए मैंने अच्छे से अब डाल लेती हूँ पनीर, तले हुए पनीर। ठीक है, पनीर डालते हैं। पनीर को सिर्फ 2 मिनट तक पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, फिर अपने जो पालक का हमने पेस्ट निकाला था पानी डाल के, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए इतनी सुंदर और टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सिर्फ मसाला रेडी रखना है और पनीर तल लेने हैं, बस यही काम है। बाकी तो बस इतने झट से आपकी ये सब्ज़ी तैयार होंगी, 2 मिनट में, बस 2 मिनट में पकने के लिए रखना है। 2 मिनट के बाद आपको इसको उतारना है। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें बाउल में ले लेती हूँ। इतनी सुंदर स्वादिष्ट सब्ज़ी बन चुकी है मेरी, देखिए एकदम स्वादिष्ट, बच्चे भी खाते हैं और हर कोई खाता है ना भाई पनीर की सब्ज़ी। वाह, देखिए मेरी पनीर की टेस्टी सब्ज़ी आपको कैसी लगी? शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।